फाटा बाजार से आए हुए श्रीमान राजू जी अपनी पूरी कमेटी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरिशन सोनी जी एवं पप्पू सोनी जी भी मंच पे आवे। श्रीमान दुर्गेश सोनी जी भी मंच पे आकर कृपया महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अश्विनी वर्मा जी भी मंच पे आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल सोनकर जी।
सीताराम मंदेशिया जी मंच पे आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। लोग पुनः भगवान के उस पावन चरित्र में चलते हैं जिसका हमें बड़े बेसब्री से इंतजार है। और हमें जानते हैं कि आप लोगों को भी बड़े समय से इंतजार है कि नहीं है, है? किसका इंतजार है? प्रेम से बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से आपके यदवंश का विस्तार हुआ। तो परीक्षित जी हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यं चोभय वंश्याना चरितां परमाद्भुतम्। हे प्रभु, हमारे आराध्य जगताधार भगवान के परम पावन चरित्र को आप विस्तार पूर्वक करें, जैसे आप सोम सूर्य चंद्रवंश का विस्तार से बताएं, उसी प्रकार से हमारे चंद्रवंश का विस्तार करें। वसुदेव कथम प्रश्न, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े विस्तार से हम लोग चलेंगे आज। चलेंगे कि नहीं? बहुत विस्तार से चलेंगे, बहुत समय आज हम, क्योंकि खाना तो है नहीं आज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वसुदेव कथा प्रश्न,
पुरुषाम स्त्रीन पुनामिहि। कि हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न को सुन करके, इसके उत्तर को सुन करके जितने भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, सबकी मनोकामना की पूर्ति होती है। मात्र इसको सुनने मात्र से ही सबकी मनोकामना की पूर्ति होती है। किसको सुनने से? चंद्रवंश के विस्तार को सुनने से। कैसे? वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्री कहते हैं। जो वक्ता होता है, वक्ता जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, श्रोता जानते हैं। और पाद ललितं चयथा, और जो अपना मन लगाता है किसमें? भगवान के पाद में, पैरों में। उनकी जितनी भी मनोकामना होती सब पूरी हो जाती है। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, जानते हैं ना? नहीं जानते? अभी तो आप कहें श्रोता जानते हैं। और वक्ता भी दो प्रकार के होते हैं। एक वक्ता होते हैं जो हमें भी केवलम सारे संसार के विद्वान सिर्फ अपने को मान करके बैठ जाते हैं, बोलिए राधे राधे। दूसरे होते हैं दासान दासम कथा वक्ता, जो अपने को न आपसे भी छोटा बना करके बैठता है। ये दो प्रकार के वक्ता होते हैं। तो जब वक्ता दो प्रकार के हुए तो श्रोता कहे, भैया तुमसे कम क्यों, हम भी तीन प्रकार के हैं। वो कहे, आप दो हो तो हम तीन रहेंगे। मान लीजिए अगर मार हो जाए तो हम विजयी होंगे कि नहीं होंगे? तो तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक प्रथम श्रेणी के होते हैं, एक मध्यम श्रेणी के होते हैं, और एक अधम श्रेणी के होते हैं। एक होते हैं सोता। क्या होते हैं? सोता। एक यादव जी थे, वो जीवन में कभी कथा नहीं सुनने जाते थे। देखिए, अगर कोई यादव जी होगा तो बुरा बुरा मान लेगा। कभी कथा सुनने नहीं जाते थे। उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, रोज वो कथा सुनने जाती थी। एक दिन उनकी पत्नी कही कि सुनो, आज हमारा स्वास्थ्य कुछ खराब है, तो प्रसाद ले लो और चले जाओ, जा करके वहां चढ़ा देना और बैठे रहना जब तक कथा होगी। कहें, तुमको पता है कि हमको कथा अच्छी नहीं लगती, हम सुनना नहीं चाहते हैं। वहां जो बोलते हैं ना, बक बक किया करते हैं, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, इसलिए हम कथा में नहीं जाते हैं। लेकिन तुम कह रहे हो तो जा रहे हैं, क्योंकि डर होता है ना, बोलिए राधे राधे। तो तुम कह रहे हो तुम जा रहे हैं, गए प्रसाद चढ़ाए और प्रसाद चढ़ा करके एक स्थान देखे, बीच में बैठ गए। और जब बैठे, जैसे ही कथा चली, तो उनको जो है निद्रा देवी आ गई। निद्रा देवी जानते हैं किसकी पत्नी है? जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं? रामचरितमानस आप लोग पढ़ते नहीं हैं, तो राम कथा सुने होंगे आप लोग कि नहीं सुने? सुने ही। तो उसमें सबसे ज्यादा सोने वाला पात्र कौन था? उसकी पत्नी निद्रा देवी। जिस समय कुंभकर्ण का वध हुआ और रामा दल में आई, भगवान को बहुत कुछ सुनाई और कहीं, प्रभु आप तो बैकुंठ नाथ हो ना? कहे, देवी हम बैकुंठ नाथ हैं। कहे, हम तुम्हारे बैकुंठ में ताला लगवा देंगे। कहे, देवी कैसे? कहे, सुनो,
तुम्हारे बैकुंठ कौन जाता है जानते हैं? बैकुंठ कौन जाता है? कहते भी जो हमारा भक्त होता है बैकुंठ जाता है, जो हमारी कथा भागवत इत्यादि का श्रवण करता है बैकुंठ जाता है। कह बस अब संसार में कहीं भी कथा होगी वहां पर जाकर के अपनी माया फैला देंगे, जब लोग कथा सुनेंगे नहीं तो बैकुंठ जाएंगे कैसे? और जब कोई बैकुंठ जाएगा नहीं तो अकेले आप करोगे क्या? एक दिन दुकान में ताला बंद करना पड़ेगा। तो कहीं भी कथा होती है ना तो अपने गढ़ के साथ में पहुंच जाती है और किसी न किसी को अपना शिकार बना के बैकुंठ से रोक देती है। तो यादव जी बैठे और बड़े प्रेम से बैठे, जयकारा लगा, बड़े प्रेम से हाथ उठाए कि सभी जानो कि हम भी नास्तिक नहीं आस्तिक हैं। और जब कथा प्रारंभ हुई तो धीरे 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 वो निद्रा में चले गए। अब कथा हो गई, आरती हो गई, प्रसाद वितरण हो गया, वो सोए बैठे, पूरा पांडाल खाली हो गया, सो रहे। तो जो आयोजक थे वो जा करके उन्हें जगाए, कहे भैया अब कथा हो गई अब घर जाओ। चारों तरफ देखे, कहीं कथा हो गई? कहे हाँ भैया हो गई। फिर ठीक अब हम जा रहे हैं। घर आए तो जिस समय वो जाग रहे थे तो उस समय सिर्फ तीन बातें वो सुनी, जानते हैं क्या? आ गए हो तो आ जाओ, जब आ गए हो तो बैठ जाओ, जब बैठ गए हो तो जा रहे हो तो जाओ। और कैसे जाओ? ले जाओ। ये तीन बातें उस सुनी, बाकी तो सोते रहे। और घर पहुंचे तो रात में अब नींद ना आवे, नींद तो पहले ही पूरी हो गई। अभी टहल रहे थे, लाइट को बंद किए बैठे हैं, उसी समय इनके घर में चोर घुसे। अब मात्र यही रट रहे हैं आंखें बंद करके कि आ गए हो तो आ जाओ, बैठ जाओ, ले जाओ। चोर समझा कि इन्हें पता चल गया कि हम आ गए, और जब आ गए हैं तो कह रहे हैं बैठ जाओ। चोर बैठ गया और फिर कह रहे हैं ले जाओ। चोर सारा धन उठाया लेकर जाने लगा। जैसे ही गेट पर पहुंचा उसको ध्यान आया कि तो हमको पहचान लिए हैं, इसीलिए कहे आ गए तो आ जाओ, बैठ जाओ, ले जाओ। और कल जैसे सुबह होगा तो इसे खाकी वर्दी वालों को ले आकर के हमको जेल में भिजवा देंगे। चोर दौड़ता हुआ आया, सारा धन दे दिया, कहा भैया हमें माफ कर दो। अब वो आंखें खोल करके देख रहे हैं, कह रहे भैया तुम कैसे? तो चोर ने सारा वृत्तांत बताया। उसी दिन से यादव जी कथा में जाने लगे, क्योंकि सारा धन तो बच गया कथा के माध्यम से। तो सबसे पहला होते हैं सोता, जो कथा में तो जाते हैं लेकिन सोते रहते हैं। दूसरे होते हैं सरौता, अब तो सरौता नहीं लोग लेके चलते हैं। चलते हैं नहीं लेकर चलते हैं, क्योंकि मशीन के द्वारा कटा हुआ आता है, बोली रहते रहते। दूसरे प्रकार के श्रोता होते हैं, जानते हैं क्या? सरौता, जो हर समय कुतुर कुतुर किया करते हैं। व्यास जी कहे रावण आया था, राम ने उसका वध कर दिया, कहे हो ही नहीं सकता, कैसे वध कर दिया? पहले तो सेना आई होगी, पहले तो उसके इतने बड़े बड़े भाई थे, भाई आए होंगे, बेटे आए होंगे, इसको कहते हैं सरौता। और सबसे उत्तम प्रकार के श्रोता होते हैं जो मन लगा करके सुनते हैं, मनन करते हैं और ग्रहण करते हैं, ये होते हैं श्रोता।
तो ही कहते हैं भक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्र भक्तारं प्रेक्षकं श्रोतुष पादो सलिलं यथा। कहते हैं भक्ता श्रोता और भगवान के पाद की सेवा करने वाले ये तीनों की मुक्ति हो जाती है इसको सुनने से, यदुवंश की कथा सुनने से। तो भगवान कहते हैं राजन मधुपुरी में एक राजा थे जिनका नाम उग्रसेन था। ये बड़े ही प्रतापी राजा थे और बहुत ही धार्मिक राजा थे। इनकी जो है एक सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था पवन रेखा। एक दिन पवन रेखा अपने सखियों के साथ में जो है बगीचे में भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी। उसी समय जो है एक राक्षस वहां पर आया जो पवन रेखा की स्वरूप को देख करके मोहित हो गया। और जब मोहित हो गया तो राक्षस तो मायावी होते हैं और उस राक्षस का नाम था कालनेम। वह अपनी माया से ऐसा आवरण बना दिया कि मानो आधी आ गई हो, तूफान आ गया हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। उसी समय वो महाराज उग्रसेन का स्वरूप बनाता है और जाकर के देवी पवन रेखा से जो है रथ काम की इच्छा प्रकट करता है। पवन रेखा बहुत समझाती है लेकिन वह कालनेमी नामक राक्षस जो माना नहीं और बलपूर्वक उनके साथ रथदान किया। और रथदान जब कर चुका तो उसकी माया भी समाप्त हो गई, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और उसका जो भेष था, जो उग्रसेन का भेष धरा था, वो भी समाप्त हो गया, अपने असली रूप में आ गया। पवन रेखा देख करके बड़ी लज्जित हुई और लज्जित होकर के जैसे ही श्राप देने के लिए उद्धृत हुई उसी समय काल ने हाथ जोड़ करके कहा देवी श्राप देना है तो दे दो लेकिन उसके पहले हमारी एक वचन सुन लो। काल ने कहा कि देवी जो तुम्हारे गर्भ से पुत्र पैदा होगा वह त्रिभुवन में विख्यात होगा, अपनी छोटी सी आयु में उससे लड़ने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। लेकिन देवी उसको मारने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेकर के आना पड़ेगा। पवन रेखा जो श्राप नहीं दी, अंदर से प्रमुदित हुई। उसी समय उनकी सहेलियां आ गई, सखियां आ गई और ये पुनः जो है अपने महल को चली आई। महल में आई अब अंदर से घृणा होने लगी पवन रेखा को। घृणा भी होती है, प्रसन्नता भी होता है, क्योंकि सब मां चाहती है कि हमारा पुत्र कैसा हो, कैसा हो पुत्र, कैसा हो बताइए भैया, आप लोग कैसा पुत्र चाहती हैं, आपका पुत्र कैसा हो। मैया कह रही चोर हो, बोले राधे राधे। सारी मैया चाहती है कि हमारा बेटा आईएएस पीसीएस बन करके जो बड़ी गद्दी पर बैठे, चाहती है कि नहीं चाहती। कोई मैया ये चाहता कि चोर हो जाए, कोई मैया ये चाहते हैं कि साधु हो जाए, कोई चाहता नहीं चाहता ना। सभी चाहते हैं कि शादी करके आवे, घर में बहुरिया आवे, किलकारिया गूंजे, चाहते हैं कि नहीं चाहते। और बेटा हमारा खूब कमाने वाला हो, भले उसको विदेश जाना पड़े लेकिन खूब कमावे, खूब धन ले आवे। सब माए चाहती हैं कि हमारा बेटा नाम रोशन करे। पवन रेखा मात्र इसीलिए प्रसन्न होती थी कि हमारा बेटा जो है
ख्यात होगा, बलवान होगा, उसके सामने कोई टिकेगा नहीं। धीरे धीरे वह समय आया, पवन रेखा ने उसको जन्म दिया और जन्म जानते ही किस महीने में हुआ, भादो महीने में हुआ और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में हुआ और द्वादशी तिथि को हुआ उसका जन्म। और जैसे ही पैदा हुआ तो पैदा होते ही इतना हंकार भरा कि मानो चारों दिशाएं अभी ही समाप्त हो जाएंगी। पवन रेखा डरी, एक कासे के बक्से में, बक्सा जानते हैं पेटी, उसमें भर करके जो नदी में प्रवाहित कर दी कि जब पैदा होते ही इतना अत्याचार हंकार भरने वाला है, इतना डरावना है, तो बड़ा होगा तो कैसे होगा। नदी में छोड़ दी और ये बहते हुए जा रहे थे, उसी समय जो है पवन रेखा के द्वारा जब नदी में प्रवाहित हुई तो कहते हैं अत्यापिकामान्यास्त्रवेष्टितो सूरसेनो महाराज किं कर्तव्या विमुखा। कहते हैं जैसे ही जमुना मैया में छोड़ी और बहने लगा, उसी समय सूरसेन राजा जो है जमुना मैया में स्नान करने के लिए उतरे और उसी समय उस पेटी से जो है बच्चे के रुदन की आवाज आई। सूरसेन महाराज जो अपने सैनिकों के द्वारा उस पेटी को बाहर निकलवाए, खोले तो उसमें एक जो है बच्चा, बड़ा ही सुंदर बच्चा पड़ा हुआ था, उसको उठाए, अपने हृदय से लगाया और अपने महल को लिया। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो सूरसेन महाराज को सारा वृतांत पता चला, तो नारद जी के द्वारा उस बालक को जाकर के सारा वृतांत नारद जी बताएंगे, तुम्हारे माता पिता उग्रसेन जी हैं, माता आपकी पवन रेखा है और बाल्यावस्था में पैदा होते ही आपकी माता ने आपको जो है जमुना जी में प्रवाहित कर दिया और सूरसेन जी द्वारा आपका जो है भरण पोषण हुआ, अच्छा हुआ। नारद जी के द्वारा जब वह बालक सारा वृतांत सुना तो उसी समय 5 वर्ष में सूरसेन जी के द्वारा उसका नामकरण किया गया। जानते हैं क्या, बड़ा ही प्यारा नाम, क्योंकि कासे के पात्र से मिला था इसलिए उसका नाम कंस रखा गया। जब वह कंस 6 वर्ष का हुआ तो सूरसेन महाराज को छोड़कर के अपने वास्तविक माता पिता उग्रसेन के पास आया और आकर के अपने माता पिता को प्रणाम किया और सारा वृतांत बता करके रहने लगा। लेकिन बाल्यावस्था से ही बड़ा दुख था, जो भी बच्चे इसके साथ खेलने आते थे उनकी आंखें फोड़ देता था, हाथ तोड़ देता था, पैर तोड़ देता था और ज्यादा हुआ तो गला काट देता था। और भी ज्यादा मन में उत्कंठा हुई तो बच्चों को पहले रुदन कराता था, रुलाता था और उसके बाद कुएं में डाल देता था। यह इसकी बाल्यावस्था की ही प्रक्रिया थी। और जब यह 10 वर्ष का हुआ महाराज तो 10 वर्ष में ही 10 दिशाओं को जीत लिया। इतने वर्ष चारों तरफ जो है इसी का ध्वज पताका लहराने लगा और आगे चल करके जो है यही कंस जो है अपनी लाडली बहन देवकी जी का विवाह अपने परम मित्र से करता है। कैसे करता है, एक बार जो महाराज उग्रसेन इनकी चचेरी बहन थी,
एक बार जो है महाराज उग्रसेन अपने भ्राता सूरसेन से जो है अपने लाडले पुत्री के विवाह की चर्चा कर रहे थे। वहां पर कंस भी बैठा था। कंस कहता, पिताजी वह हमारी सबसे लाडली बहन है और अपने लाडली बहन का विवाह मैं अपने मित्र वसुदेव के साथ करूंगा। वसुदेव प्रतापी भी है, साहसी भी है, योद्धा भी है और सत्य बोलने वाले हैं। सत्य बोलने वाले हैं, हम अपने मित्र से के साथ करेंगे। तो मित्र के साथ करने के लिए महाराज उग्रसेन सूरसेन के पास पहुंचे और जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखे। और जब प्रस्ताव रखे तो सूरसेन के पुत्र का नाम ही वसुदेव था। तो वसुदेव जी के साथ विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात आई, महाराज कंस ने बड़ा ही स्वागत किया। प्रातःकाल विवाह के बाद जब अपने बहन को विदा करने लगा तो बहुत ही उपहार दिया। क्या दिया? हय गज स्कंधन हेम पट रत्न अनेक दीन याचक सब परितोषिके विदा बहन कर दी। कहते हाथी घोड़ा गाय पालकी हेम बट यानी स्वर्ण आभूषण त्यार बहुत कुछ दान किया और जितने भी याचक आए हुए थे सबको खुश करके भेजा और अंत में अपनी बहन को जो रथ पे बिठा करके स्वयं जो है रथवाला बन करके, क्या बन करके, रथ कौन हाँकते हैं, सारथी, सारथी बन करके बड़ी प्रसन्नता से अपनी बहन को विदा करने के लिए चला। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जैसे ही मथुरा नगरी से बाहर आया तैसे ही वसुदेव जी की खुशी देवता नहीं देख पाए। देख न जाई पर आई विभूति। कहते सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता वास्तव में बड़े स्वार्थी। बड़े प्रसन्नता से कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था। वसुदेव जी और मैया देवकी भी बड़ी प्रसन्नता से जा रही थी। जैसे ही मथुरा से बाहर आई उसी समय जो है देवता लोग एक आकाशवाणी की बड़े जोर से गर्जना करते हुए बोले, अश्यात्वं नष्टमो गर्भे हन्तां यावहसे बोध। जैसे ही कंस ने सुना कि देवकी के आत्मिक गर्भ से हमारा काल पैदा होगा, जो भी प्रसन्नता से ले जा रहा था वह बड़े ही क्रोधित हो गया और क्रोध से जो है रथ के अग्रभाग से कूद करके जो है पीछे भाग पर आया और कूदते ही देवकी मैया के केश को पकड़ा और केश पकड़ करके रथ से नीचे डाल दिया। और जैसे ही देवकी मैया रथ से नीचे गई कंस रथ से कूदा, कमर से खड़ग निकाला और जैसे ही मैया को मारने के लिए वह हाथ उठाया वसुदेव जी ने हाथ को पकड़ा। कहा भैया कंस, क्योंकि देखिए जब दुष्ट लोग हो ना तो दुष्टों से बड़े नम्रता से बात करनी चाहिए, सही कि नहीं चाहिए? क्योंकि अगर दुष्ट के साथ दुष्ट बन जाओगे ना तो फिर बात ही बिगड़ जाएगी। तो
तो बड़े ही नम्रता से वसुदेव जी बोले के भैया कंस, जो आकाशवाणी हुई देवता बनाए कि देवकी के आठवें गर्भ से तुम्हारा मृत्यु होगा, देवकी से नहीं होगा। भैया जिस बहन को तुम इतना प्रेम करते हो, लाड़ लड़ाते हो, उस बहन का हंता बनने जा रहे हो। हम तुम्हें वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने भी संतानें होंगी, सारी संतानों को ला करके हम तुम्हें समर्पित कर देंगे। वसुदेव जी और मैया देवकी को कंस ने छोड़ा, क्योंकि वसुदेव जी सत्यवादी थे, उनके सत्य की प्रशंसा स्वयं कंस भी करता था। अब अपने महल को आए, कंस आया तो इधर गुप्तचरों के माध्यम से महाराज उग्रसेन ने सारा वृत्तांत जब सुना तो कंस को बुला करके बड़ा डांटने लगे, फटकारने लगे। उसी समय कंस ने जो है इशारा किया, सारे सैनिकों ने महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया और बंदी बना करके ले जा करके कारागार में डाल दिया। कहा, पिताजी अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हें राजपाट का भान नहीं रहता है। अरे राजा, राजा तो हमारे जैसा होना चाहिए, जिसके सामने प्रश्न करने से पहले लोग डर जाएं। उन्हें कारागार में डाल दिया, कंस स्वयं राज करने लगा। और उसी समय जब कंस राजा बना, ते किंवदंती आती है, एक कुबलिया पेड़ नामक हाथी था जिसको 10,000 हाथियों का बल था। यह जंगल में रहती थी, जिसको पकड़ करके जो है जानते हैं कौन ले गया था? देखिए हाथी आ भी गई, इसको पकड़ करके जो है बड़े ही बलपूर्वक ले गए थे। कौन ले गया था नहीं पता है। जरासंध का नाम सुने हैं आप लोग? आपके गांव के बगल में रहते हैं ना, जरासंध ले गया। लेकिन जरासंध भी उस हाथी को काबू में नहीं कर पाया, तो कंस ने जाकर के उस हाथी को अपने वश में किया। उसी समय जब हाथी को अपने वश में किया तो महाराज उग्रसेन की दो पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति। वो दोनों पुत्रियों का एक साथ में कंस से ब्याह कर दी, और ब्याह तो कर दी लेकिन दहेज में वही हाथी दे दिए। कंस आया, अपना राज्य करने लगा, और जब राज्य करने लगा तो उसी समय वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुए, देवकी वसुदेवं च निग्रया निगडे गृहे जातं जात महापुत्रं तरो रजन संकया। कहते वसुदेव जी को प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी मैया देवकी से कहते हैं कि देवी, देख करके इस पुत्र को अपने हृदय में बसा लो और हम अपने वचन का पालन करने जा रहे हैं। आज के अगर आप लोग होते तो वचन बस वहीं पर होता, बाकी निभाने कोई नहीं जाता कि जाता। कहते हैं आज दो मुहा सर्प कोई देखता है? पहले बहुत होते थे जो दोनों मुंह सका लेते थे और उड़ने लगते थे, उड़ उड़ करके काटते थे, ऐसा हम लोगों ने सुना है। लेकिन अब तो मनुष्य ही दो मुहा हो गए, इसलिए उसकी प्रजाति ही समाप्त हो रही है। हो गए कि नहीं हो गए?
इसलिए दो मुहा का प्रजाति ही समाप्त हो रही है। लेकिन वसुदेव जी जो है अपने वचन को पालन करने के लिए प्रथम पुत्र को लेकर के गए। महाराज कंस का दरबार लगा हुआ था, दरबार में वसुदेव जी पहुंचे, प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद अपना पहला पुत्र जो उनको निवेदन किए, कहे महाराज आप के आभार से हमारी पत्नी का आपने जान दिया, लेकिन हम अपने वचन का पालन करने के लिए हम अपना प्रथम पुत्र आपको देते हैं। और जैसे ही कंस के हाथ में वो पहला पुत्र गया तो बड़ा ही प्यारी सी मुस्कान भरा, कंस उसके मुस्कान को देख करके फिदा हुए, कह रहे वसुदेव ये तो बड़ा प्यारा सनन्हा सा बालक है, ये तो हमारा भांजा है, देवताओं ने तो आठवें गर्भ को हमारा शत्रु बताया था, आप इसको ले जाइए, ये तो हमारा लाडला भांजा होगा। लेकिन याद रखना जितने भी पुत्र या पुत्रियां हो, संतान हो, हमें दिखाते अवश्य रहना और आठवें बार बहुत अधिक सजग रहना। बोली राधे राधे। वसुदेव जी ले आए, मैया देव की बड़ी प्रमोदित हुई। इसी तरह से दूसरा पुत्र हुआ, कंस ने छोड़ दिया। तीसरा पुत्र हुआ, कंस ने छोड़ दिया। पांचवा पुत्र हुआ, कंस ने छोड़ दिया। उसी समय नारद जी आए वहां पर, कैसे एक बार कर तल कर बीड़ा, एक बार कर तल कर बीड़ा, एक बार कर तल कर बीड़ा, एक बार कर तल कर बीड़ा। अपनी वीणा को धुन दिए, कैसे श्रीमन नारायण नारायण को तान देते हुए मथुरा में प्रवेश की। कहां पर? मथुरा में आए और मथुरा में आकर के महाराज कंस के दरबार में पहुंचे। और जैसे ही कंस के दरबार में पहुंचे तो महाराज कंस उठ करके जो है नारद जी को प्रणाम किए और कहे गुरुवर बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, हम कृतार्थ हुए, धन्य हुए। क्या हुए? धन्य हुए। और कैसे धन्य हुए? कहां पर कौन गया? कहां पर कौन गया जानते हैं?
नारद जी जो है गोकुल में गए, कहां गए नारद जी, कहां गए भैया, थोड़ी बातें न करें आप, भाई के लिए तो कथा चल रही है लेकिन आप तो व्यथा में पड़ी हैं भैया, व्यथा तो संसार में आना ही आना है, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन एक कथा बार बार नहीं मिलता। कहते हैं कि तारा सुतयो लक्ष्मी पापियों के घर हो, दारा का जानते हैं क्या मतलब होता है, दारा का मतलब होता है पत्नी, सुत का मतलब होता है बेटा या बेटी, लक्ष्मी तो सभी लोग समझते हैं, कोई लक्ष्मी जानता है कि नहीं जानता है, अगर छोटा सा बच्चा है ना तो भी जो है लक्ष्मी जानता है। तारा सुत और लक्ष्मी किसके घर होती है, पापियों के घर हो, जो बहुत बड़े पापी भी होते हैं उनके घर में भी तीनों का वास होता है, होता है कि नहीं होता है। और संत मिलन ओ हरि कथा दुर्लभ जग में दो, संतों का दर्शन, संतों का मिलना और भगवान की कथा इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। बातें तो हम आज कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे, परसों भी कर लेंगे, और अगर मान लीजिए कोई कहते हैं ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी जरूरत वाली बातें, तो उसकी एक डायरी बना लिया करिए, दिन में डेट वाइज नोट करिए, और जैसे 29 तारीख बीते 30 तारीख से डायरी निकालिए और पढ़ते चले जाइए कि सुनो बहन ये बात उस दिन की थी, पत्र मिलता जाएगा। इस संसार में अगर दुर्लभ कोई है तो दो ही चीज है, क्या, संतों का दर्शन और भगवान की कथा। तो नारद जी को देख करके जब कंस ने जो प्रणाम किया, नारद जी धन्य हो, नारद जी आशीर्वाद दिए, और कंस ने अपने सिंहासन पर ले जाकर के नारद जी को बैठाया, अर्घपात दिया, खूब सुंदर भोग मिष्ठान मिलाया। आज हम भी खूब मीठा मंगाए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ले आए हैं। वो तो नहीं लाया, वो कहे महाराज जी 400 रुपया किलो है, तो हम कहे भैया 400 तो है नहीं, तो कहीं जहां सस्ता मिलता वहां से ले आए। तो जब नारद जी बैठे तो कहे अरे कंस, हम तो जानते थे तुम हमारा जो शिष्य है बड़ा बुद्धिमान होगा, लेकिन अरे कंस तुम दुष्ट के साथ साथ पागल भी हो। बहुत सुनाए नारद जी, कंस जो हतप्रद हो गया कि हमने ऐसा क्या कर दिया। नारद जी कहें कंस तुम इतने बड़े मूर्ख हो, इतने बड़े पागल हो कि तुम्हें समझाने के लिए हमको आना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे शिष्य के साथ कोई अनहोनी हो जाए। कंस कहा गुरुदेव हमसे क्या अपराध हुआ आप हमें बताएं, हम अपनी मूर्खतापूर्ण कार्य कहां पर किए हैं, कृपा करके आप प्रकाश डालें। तो नारद जी कहें कि सुनो तुमने आकाशवाणी तो सुना होगा। कहें गुरुदेव अभी तो पांचवा पुत्र ही है और आकाशवाणी में आठवें पुत्र से हमें संकट है, आठवां पुत्र हमारा काल होगा। नारद जी जो है तुरंत एक कमल का फूल मंगाए और मंगा करके बड़े ही प्रेम से उसकी पंखुड़ियां लिए, उसमें से मात्र आठ पंखुड़ियां रखे और कहें कंस तुम तो गणित बहुत अच्छी तरह से जानता है, कहें गुरुदेव आपकी कृपा से कहें बताओ
इसको गिनो। तो कंस गिनना प्रारंभ किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। नारद जी कहे बड़े ध्यान से गिनना। कंस कहा महाराज गिन लिए। नारद जी इसे घुमा दिए, कहे कंस अब बता इसमें पहला कौन और आठवां कौन है। कंस हाथ जोड़ा और कहा गुरुदेव अब हम सब समझ गए जो हमको करना है। नारद जी कहे अभी भी नहीं समझा। ये जो देवताओं की गणित होती है ना, ये कब उल्टा हो जाए कब सीधा हो जाए, कब 100 से 99, 98, 97 शुरू कर लें और कब 1, 2, 3, 4 शुरू कर लें, इनकी गणित कोई जानता नहीं है। कंस कहा गुरुदेव न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, वो चाहे इधर से 1, 2, 3, 4 जोड़े चाहे उधर से 8, 7, 6, 5 जोड़े, गुरु जी हम सब समझ गए। नारद जी मुस्कुराए कि अब जल्दी भगवान का अवतार होगा, मुस्कुराए फिर बीड़ा टाने और कैसे चले, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण फिर भगवान का स्मरण किए, कहे प्रभु हम आपका काम करके आ रहे हैं, अब आपका काम हो गया। कैसे, जिस कार्य के लिए आप हमको नियुक्त किए, क्योंकि जानते हैं इस संसार में जितने लोग हैं ना सब पात्र हैं। किसके पात्र हैं, किसके पात्र हैं? आप लोग एकांकी देखे होंगे ना, नाटक जिसको कहते हैं, पूरा संसार नाटक का पात्र है, पूरा संसार। जब जिसका रोल आता है वो मंच पर आता है, अपना रोल प्रकट करता है और चलता बनता है कि नहीं। इस संसार जो है ना एक नाटक का घर है, क्या नाटक का घर है, और उसके हम लोग क्या है, पात्र है। जब तक हमारा रोल चल रहा है तब तक पर्दे के आगे हैं, और जैसे ही रोल समाप्त होता है तैसे पर्दा गिरता है पर्दे के पीछे जाते हैं कि नहीं हम लोग जाते हैं, इसी प्रकार से हम लोग चले जाते हैं। तो नारद जी कहेंगे भगवान अब हमारा रोल जो है समाप्त होगा, अब आगे चल करके पर्दा के आगे आपको आना है। कंस अपने सैनिकों को बुलाया, कहा सुनो जा करके वसुदेव और देवकी को पकड़ करके ले आओ और साथ में पांचों बच्चों को भी ले आना। कंस का आदेश हुआ, सैनिक दौड़ते हुए गए, वसुदेव और देवकी मैया को पकड़े, बच्चों के साथ ले आए और वसुदेव और देव की मैया के सामने ही पांचों बच्चों को एक एक करके जो है शिला पट पर पटका और गोविंद को प्यारे हो गए। एक साथ मैया जो अपने पांचों बच्चों का निधन देख करके मैया चेतन अवस्था में चली गई, और जब मैया को चेतना आई तो देख रहे हैं कि दरबार से जो है मैया कारागार में पड़ी हुई। कैसे पड़ी है, हाथ और पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई है। मैया जो है वसुदेव जी को देख करके बड़ा रुदन करने लगी। वसुदेव जी कहे देवी जब अत्याचार बढ़ता है तभी जो है भगवान आते हैं, देवी जब दीपक को बुझना होता है ना तो बहुत तेजी से फड़फड़ाने लगता है, बहुत तेजी से जलने लगता है, और जब बहुत तेजी से जलता है समझ लेना चाहिए अब जाना है।
जाना है कि नहीं? देवी मैया को बड़ा सांत्वना दिए वसुदेव जी। इसके बाद छठा गर्भ आया, छठे गर्भ के बालक को भी कंस ने इतश्री कर दिया। सातवां गर्भ आया तो भगवान अपनी वैष्णवी माया को बुलाए और मैया के गर्भ को अपने माया के द्वारा संकर्षण करके खींच करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी देवी के गर्भ में ले जाकर के स्थापित कर दी, जो गोकुल में नंद बाबा के यहां रहती थी। अब नंद बाबा भी कथा से प्रस्थान करें। जो नंद बाबा के यहां रहती थी तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा देवकी मैया के गर्भ को ले जाकर गोकुल में जो रोहिणी मैया थी उनके गर्भ में स्थापित किया और इधर सातवें गर्भ का शोर हो गया कि गर्भपात हो गया। कंस बड़े चिंता में हो गया कि चलो एक पाप से तो बच गए, हमारे भय से सातवां ही गर्भ नष्ट हो गया, वह इस पृथ्वी का स्पर्श तक नहीं कर पाया। आठवां गर्भ आया तो आठवें गर्भ में स्वयं श्रीमन्नारायण आए। माताएं उबने लगी हैं, मैया बहुत कम समय लेंगी, ज्यादा समय अब नहीं है, नहीं है, कल तो ज्यादा समय हो गया था लेकिन आज बहुत कम समय लेंगे। तो जब आठवें गर्भ में भगवान आए तो जैसे ही गर्भ में प्रवेश किए तो उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के देवताओं के साथ में भगवान की दिव्य स्तुति की। कैसे? सत्यम व्रत सत्य परम त्रिसत्या सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्ना स्वाकृतम् हे कृष्ण स्वाकृतम् आप लोग भी ताली बजाते हुए भगवान का स्वागत करें। I'm not afraid of the dark.
देवता करके भगवान का दिव्य स्वागत किए, गर्भस्तुत किए। इसके बाद भगवान शिव जी भी आकर के भगवान की स्तुत करने लगे। उसी समय भगवान देवताओं से कहे, सुरो अगर इस तरह से तुम लोग आते जाते रहोगे तो कंस को पता चल जाएगा, और जब कंस को पता चल जाएगा तो हमारे आने के पहले ही तिसरी हो जाएगा। स्त्री का अर्थ जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? जानते हैं स्त्री मतलब? जानते हैं क्या होता है? समाप्त टाइम लगेगा आने में, कितना टाइम लगेगा? स्त्री से हम प्रारंभ करते हैं और इत से बंद कर दो क्या? हाँ बंद कर दिए, बहुत ज्यादा लंबा हो गया।